अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। रिहाना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम, है ना, 6 किलोमीटर चलती है वेस्ट की तरफ अपने घर से, एंड टर्न्स लेफ्ट। ओके, तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं, आपको सिंपल और सिंपल एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है, डायरेक्शंस मार्क कर लेनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, मान लो कि रिहाना यहाँ पर है अभी, रिहाना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ये है, इस तरफ इस पॉइंट से चलती है, तो 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई वो, 6 किलोमीटर वेस्ट, है ना, एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेना है अब इसको, तो बताइए देखिए लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा। लेफ्ट टर्न जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हाथ हमारा राइट टर्न होता है, ठीक है। तो जब रिहाना का मुंह इस तरफ है, ठीक है, तो अगर आप अपना मुंह इस तरफ खड़ा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो लिखने वाला हाथ है वो इस तरफ है और नहीं लिखने वाला हाथ इस तरफ है, यानी कि राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर है। इसको लेफ़्ट टर्न लेना है, तो लेफ़्ट ये हो गया, लेफ़्ट ये हुआ, 3 किलोमीटर चली है, ओके, एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट अगेन। इसके बाद में यहाँ पर ये 3 किलोमीटर चल के आई सपोज़, है ना, और यहाँ से फिर से इसको लेफ़्ट लेना है, तो अगेन आप देखिए कि लेफ़्ट आपका किधर होगा। अगर आपका मुंह इस तरफ है तो आपका जो लिखने वाला हाथ है वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। देखिए लिखने वाला हाथ आपका इस तरफ होगा अगर आपका मुंह इस तरफ है, तो ये राइट हो गया, इधर लेफ़्ट हो गया, इसने लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट लिया और कितना चला है इसने, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चली है ये, है ना, 10 किलोमीटर चला है इसने। तो ये मैंने थोड़ा सा देखिए इतना लंबा कैसे बनाया, अंदाजे से बनाया ये बिल्कुल, ये 6 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था इसलिए मैंने ये बना दिया। वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ये इसकी ऑफिस बनेगी, ये इसका घर था, घर से इसने चलना शुरू किया था, है ना, तो ये होम है ये ऑफिस है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स को आप छोड़ दो, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी होगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस है कितनी, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है उतनी ही ये है, ये कितनी है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी हमारी 3 किलोमीटर हो गई। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल है, तो ये कितना है भाई, ये कितना था 6, और ये पूरा है 10, तो 10 में से 6 तो ये है, तो ये रह जाएगा 4, ठीक है। तो 3 की एक आर्म है इस राइट एंगल ट्राइंगल की और 4 की एक आर्म है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है, जो कर्ण है, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये निकल करके आएगा आपका 25, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5 किलोमीटर। तो घर और ऑफिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर निकल करके आएगी। इस तरीके से हमारा ये आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी कन्फ्यूजिंग है। अब दोस्तों देखो ये तो हो गई आंसर निकालने वाली बात, अब हम देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, रेड पेन से मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ये क्या पूछ सकते थे कि रिहाना के घर से जो ऑफिस है उसकी डायरेक्शन क्या है, घर से ऑफिस की डायरेक्शन क्या है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले मैं डायग्राम में देखूंगा तो ये वाली डायरेक्शन मैं घर से ऑफिस है, यहाँ पर अगर होम है तो ये ऑफिस है, तो ये डायरेक्शन देखिए कौन सी है, साउथ है ये, और इधर ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट। तो अगर हमसे पूछा गया होता कि रिहाना के घर से ऑफिस की डायरेक्शन क्या है तो वो आंसर निकल के आता हमारा साउथ ईस्ट। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन अपोजिट पूछा सकता था कि ऑफिस से घर की डायरेक्शन क्या है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली, लेट्स टेक दिस कलर। ओके, तो ऑफिस से घर की डायरेक्शन हमसे पूछी गई है तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है। तो अगर हमसे ऑफिस से घर की डायरेक्शन पूछी होती तो ये देखिए वेस्ट और ये नॉर्थ के बीच में है तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाता।
ये कुछ और पॉसिबल क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया जा सकता था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखिए, रोहन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आपके लिए कि आप एक छोटा सा ही डायग्राम बना लो और आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ इतने सिंपल से डायग्राम से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। रोहन मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है, इसका मुँह इस तरफ है अभी, ठीक है, वेस्ट यहाँ पर है, इसका मुँह इस तरफ है वेस्ट की तरफ रोहन का, ठीक है। अभी क्या बोला गया, टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए, मैं पूरी की पूरी डायरेक्शंस में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बड़ी सी बना करके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। ब्लू कलर से हम जो रोहन की कंडीशन देखते हैं कि वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा था और क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया 45 डिग्री, ठीक है। क्लॉकवाइज लोग घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, 12 यहाँ बजते हैं, 1 यहाँ बजता है, 2 यहाँ बजते हैं, इस तरीके से घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, ओके। तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरफ चलेगा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया रोहन, ओके। जो हमें कंडीशन बताई गई है उस हिसाब से 45 डिग्री चल लिया इसने। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से चलेगा ये। तो 180 डिग्री देखो मुझे घुमाना है, तो ये 45, ये 90 और फिर से 45, तो ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। वैसे भी हम सबको मालूम है कि 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, तो 180 डिग्री ये फिर से क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही है, हम ऐसे ही चल रहे हैं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला। एंड देन टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो गया, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी की दिशा के उल्टा, तो इसको हमें इस तरफ चलाना है। अब ये इस तरफ आ चुका है, अब हमें इसको इस तरफ चलाना है, इस तरफ इसका मुंह हो चुका है ऑलरेडी, अब हमें इसका मुंह चेंज करना है। और 225 डिग्री, 225 डिग्री कितना होगा, देखो ये हो गया 180 और ये हो गया 45, ठीक है, 180 प्लस 45 आप देखोगे तो हो जाएगा 225। यही हमसे बोला गया है कि 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री पामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज को पामावर्त बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो है 180 इधर चलेगा और 45 और चलेगा, तो तब जाकर के इसका ये पूरा 225 कंप्लीट होगा, 225 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मुंह था वो फिर से इस तरफ आ जाएगा, यानी जहाँ ओरिजिनल था, ओरिजिनल कहाँ था, वेस्ट की तरफ था, तो इसका आंसर वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत एक आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ से हमने आंसर तो निकाल लिया है, ये गया आंसर, लेकिन आप देखिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, या फिर क्या इसके पॉसिबल वेरिएंट हो सकते हैं। 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बजाय हमसे बोल सकते थे केवल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से हाइपोथेटिकल कंडीशंस को समझने के लिए, लेट मी टेक दिस कलर। तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला होता तो ये इस तरफ ही पहुँचता, इस तरफ पहुँचता तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तब इसका आंसर जो है ईस्ट होता। 45 डिग्री की जगह इन्होंने बोला होता 90 डिग्री और, यानी कि 135 डिग्री बोल दिया होता कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 45 ये और 90 और जाता, तो इसका आंसर नॉर्थ हो जाता, तब हम इसका आंसर डी लगाते हैं। ये पॉसिबल वेरिएंट्स हो सकते हैं अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ज्ञान भी बहुत आसान है, भाई घड़ी बना लो अपनी, जिस तरफ घड़ी चल रही है उस तरफ जाना है तो क्लॉकवाइज है, उसके अपोजिट जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है, मतलब बहुत सिंपल है। और इसमें वेरिएंट ये बन सकते थे कि भाई ये जो है क्लॉकवाइज ही इसको 45 डिग्री और चला देते, आंसर साउथ हो जाता, क्लॉकवाइज ही जो है 90 डिग्री चला देते, इसका आंसर ये बनता, साउथ वेस्ट बनता ये आंसर, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं फिर सारे। अब देखिए, अगला शानदार क्वेश्चन आपके लिए आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है।
सिंपल क्वेश्चन है। ऋतिक वेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ जा रहा है वो, फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, तो डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको रूल याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाओ और जानो कि भाई ईस्ट किधर है। ईस्ट किधर है, मान लो कि उसकी ऑफिस यहाँ पर है, सपोज़ करो कि उसकी ऑफिस यहाँ पर है, ये गई ऑफिस, मैंने ऑफिस बना दी, ठीक है। ऋतिक वेंट स्ट्रेट ईस्ट वर्ड, ईस्ट की तरफ चल दिया एंड टुक अ राइट टर्न आफ्टर ट्रैवलिंग 4 किलोमीटर, ठीक है। कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया, 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाएं मुड़ा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि ऋतिक की जगह आप ही हो, आप इस तरफ जा रहे हो, है ना, ईस्ट वर्ड, 4 किलोमीटर आप चल लिए, इस तरह 4 किलोमीटर चल लिए, 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको राइट टर्न लेना है। तो जब आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपका लिखने वाला हाथ किधर होगा, इस तरफ होगा राइट हैंड, है ना, नहीं लिखने वाला इधर होगा, तो वो हो गया लेफ्ट हैंड। तो राइट टर्न लेना है आपको, राइट टर्न आफ्टर ट्रैवलिंग 4 किलोमीटर, फ्रॉम हियर ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ऐसे चलने पे वो 3 किलोमीटर राइट टर्न लेने के बाद में 3 किलोमीटर और चलेगा, ठीक है। एंड अगेन टू का राइट टर्न। अब देखो, अगर आप ऋतिक की जगह अगर आप हो और आपका मुंह इस तरफ है, तो आपका लिखने वाला हाथ किस तरफ होगा, इमेजिन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा लिखने वाला हाथ हमारा इस तरफ होगा, वो होता है राइट, और उसका अपोजिट साइड वाला होता है लेफ्ट। तो राइट टर्न फिर से लिया एंड अगेन टुक अ राइट टर्न आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, यहाँ पे फिर से 4 किलोमीटर चल रहा है वो, तो ये भी 4 था, ये भी 4 है, तो बराबर वाले पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा 4 किलोमीटर। ही फाइनली टर्नड लेफ्ट, लेफ्ट लिया उसने। अब आप यहाँ से देखो कि अगर आप ऋतिक की जगह हो, इस तरफ आपका मुँह है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, आपका लिखने वाला हाथ किस तरफ है, लिखने वाला हाथ इस तरफ है, तो ये हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। क्या लिया है उसने, लेफ्ट लिया, यानी कि इस तरफ वो चलना शुरू करेगा। इन विच डायरेक्शन वॉज ऋतिक मूविंग एट द एंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो एंड में मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है। आपके पास में डायरेक्शन का डायग्राम पहले ही बनाया हुआ है आपने, तो आपको मालूम ही है ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साउथ दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा आपके लिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता था, घुमाया जा सकता था, अगर उसने राइट मोड़ दिया होता उसको, तो ये कौन सी डायरेक्शन रहती, तब ये नॉर्थ हो जाती, है ना, और इसने इसको यहाँ पर बोल दिया होता कि वो 45 डिग्री टर्न लेता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज वो घूम जाता है, ठीक है। तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की जो सुई है वो यहाँ से यहाँ की तरफ चलती है, फिर यहाँ की तरफ, यानी घड़ी ऐसे चलती है। तो यहाँ से उसको वो, जैसे यहाँ पे जब हमने बात की कि लेफ्ट राइट टर्न उसे दिलवाया, तो इस डायरेक्शन में था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराया जा सकता था उसको, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर वो मूव करता, अपना चेहरा घुमाता और फिर चलना शुरू करता, तो आप देखिए उसकी डायरेक्शन है वो ये हो जाती, और ये कौन सी रहती, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रहती। और क्या पूछा जा सकता था यहाँ पे, कि मान लीजिए वो ये भी पूछ सकते थे कि लेफ़्ट जब चला वो, यहाँ से उन्होंने इस तरीके से चलाया उसको, लेफ़्ट चला, 2 किलोमीटर चला, तो जहाँ फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट था, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो आप दूरी कैलकुलेट कर सकते थे, भाई ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, टोटल हो गया 5 किलोमीटर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंटों के बीच की। हालांकि उसने जो ट्रैवलिंग की पूछा था कि 4 और 3 7 और 4 11 और 2 13 की, लेकिन जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स की वो 5 किलोमीटर हो गई, है कि नहीं। तो एक ये भी हमसे सवाल पूछा जा सकता था, एक पूछा जा सकता था कि ऑफिस से जो फाइनल पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो आपका देखिए साउथ डायरेक्शन में है, ऑफिस से जो फाइनल पॉइंट है वो आपका साउथ डायरेक्शन में है, राइट। उल्टा भी पूछा सकता था कि भाई फाइनल पॉइंट से ऑफिस किस डायरेक्शन में है, तो वो देखिए आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में बन जाती है, ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस में सिर्फ सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा डायग्राम है जिसको आपको हर बार बना लेना है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने इसी डायग्राम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। वाइल गोइंग टू स्कूल रोहित गोज स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो उसने क्या है कि हमें डायरेक्शन जो है क्लियर नहीं की है कि उसका हाउस किस डायरेक्शन में है, उसके घर का जो दरवाज़ा है वो किस दिशा में खुलता है, ठीक है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा और बाद में हमें अंदाज़ा लगेगा कि भाई बाद में इसी डायरेक्शन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये रोहित का घर है, ठीक है, ये दरवाज़ा है इसके घर का, ठीक है। इस दरवाजे से वो बाहर निकला और स्ट्रेट गया, कितना चला ये, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला ये। क्योंकि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता ही रखा है मूल मंत्र क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हम जो है यहाँ से सॉल्व कर पाएँ चीज़ों को। वेल गोइंग टू स्कूल रोहित गोज स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ठीक है, 2 किलोमीटर चल लिया, 2 किलोमीटर चलने के बाद में लेफ्ट टर्न लेगा। तो रोहित का जो लेफ्ट है वो किधर होगा, अगर उसका मुंह इस तरफ है, मान लो आपका मुंह इस तरफ होता तो आपका लिखने वाला हाथ किस तरफ होता, इस तरफ, इट्स अ राइट, ठीक है, लिखने वाला हाथ, लेफ्ट उसका अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, तो इस तरफ का उसने टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, और अब वो यहाँ से चलेगा 4 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम हियर ही टेक्स अ राइट टर्न, अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा। आपका मुंह अगर इस तरफ है तो आपका लिखने वाला हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, सो दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, एंड दिस इज अपोजिट इज़ लेफ्ट, सो ही टेक्स अ राइट टर्न एंड आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर, अब यहाँ पे फिर से वो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर चल रहा है वो, एंड आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर ही अगेन टेक्स राइट टर्न, ही अगेन टर्न्स राइट एंड फाइनली ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। यहाँ पहुँचा था वो, 4 किलोमीटर चला, फ्रॉम हियर ही टेक्स अ राइट टर्न, राइट टर्न लिया उसने, एंड आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर ही अगेन टर्न्स राइट, फिर से इसने एक राइट टर्न लिया, देखो ये है राइट टर्न, ठीक है भाई। इस तरफ अगर कोई जा रहा है, आप जा रहे हो, तो आपका लिखने वाला हाथ इस तरफ होगा, ठीक है, तो राइट टर्न ये हो गया। ट्रेवल्स 2 किलोमीटर रीच द स्कूल, यहाँ पर स्कूल है इसका, ये इसने डिस्टेंस जो लिया वो 2 किलोमीटर की है। फाइनली ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, इफ़ ही वॉज फाइनली ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, अब इसने ये 2 किलोमीटर है, ये स्कूल है, ठीक है, ये हमारा जो है डायरेक्शन वाला डायग्राम था ये, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, देखो हमने जो कंडीशन मानी थी कि घर का जो गेट है वो इस तरफ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ उसने चलना दिया, तो हमारी डायरेक्शन जो आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, ये देखो कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ है, ठीक है, ये एस मैंने स्कूल के लिए लिखा है, साउथ के लिए नहीं लिखा, लेकिन डायरेक्शन जो है साउथ बन रही है, डायरेक्शन भी एस वाली बन रही है। इसने क्या बोला, इफ़ ही वॉज फाइनली ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, इसने बोला कि ये जो डायरेक्शन है ये साउथ नहीं है, ये वेस्ट है। इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल है ये और घर है ये, ठीक है, तो स्कूल से घर की दिशा क्या है, हम तो ये दिशा पूछी गई है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसने क्या बोला कि ये साउथ नहीं है, साउथ नहीं है, ये क्या है, ये अपना वेस्ट है, ठीक है, तो यानी कि इसने जो हाइपोथेटिकल डायग्राम बनेगा उसमें इस वेस्ट को यहाँ पहुँचा दिया गया, ओके, तो बाकी सारी डायरेक्शंस भी ऐसे ही मूव कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो हाइपोथेटिकली जो सिचुएशन हमें दी गई है, ये यहाँ पर साउथ पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये ईस्ट पहुंच जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पहुंच जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन देखिए क्या बन रही है इसकी, डायरेक्शन ये बन रही है, यानी कि ये डायरेक्शन थी, इसको मैच कराऊँ मैं, तो ब्लू वाले जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उस हिसाब से तो बन रही थी ये साउथ वेस्ट, लेकिन जो हमारी जो कंडीशन है क्वेश्चन की दे रखी है उस हिसाब से क्या बन जाएगी, वेस्ट है ये और ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन देखिए कैसे चेंज होती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साउथ को वेस्ट बोला, साउथ को वेस्ट बोला, तो यानी कि जो वेस्ट है वो 90 डिग्री घूम के यहाँ पर आया, तो ये पूरा पूरा जो डायग्राम है ना वो सारी डायरेक्शंस घूमेंगी, देखो तो साउथ यहाँ पहुँच जाएगी, ईस्ट यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगी, नॉर्थ यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगी, तो इस तरीके से
जो डायरेक्शन हमारी ये वाली जो डायरेक्शन थी, ठीक है, वो हमारी ये हो जाएगी। ये इसका अपोजिट भी पूछ सकते थे कि भाई घर से स्कूल किस तरफ है, घर से स्कूल किस तरफ है, ये भी तो पूछा जा सकता था, बिल्कुल पूछा जा सकता था। तो घर से स्कूल की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या हो जाती, असली में तो ये नॉर्थ ईस्ट है ना, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन में साउथ और ईस्ट, तो इसका आंसर साउथ ईस्ट हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था। यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो हम यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बता सकते थे, ये 2 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, सॉरी ये 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2, ठीक है, बीच में ये पॉइंट, ये था टोटल 4 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ तक इसने 2 किलोमीटर ही चला था, तो ये डिस्टेंस हो गई 2 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमें निकालना था। तो ट्रायंगल कैसा बन जाता, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 20, ये डिस्टेंस आ जाती इन दोनों के बीच की। तो इस तरीके से हम जो है डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते थे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था, ठीक है, तो मतलब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन से या उसके वेरिएंट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लेफ्ट घुमाया, इसको राइट घुमा सकते थे, इसको 45 डिग्री, 225 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे, तो वो जैसे भी घुमाते हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हम उसका आंसर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।